हाय गाइस, मैं फैमिली का व्लॉग सेम फूड गाइस कैसे आप सभी ने आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आज हम पका रहे हैं आलू 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 वाले हाँ चावल। आलू वाले चावल। उसके लिए हमने प्याज और ऑयल डाल के रख दिया है और मम्मा अब उधर ढूंढने गई हैं चम्मच और मैं इधर वीडियो बना रही हूँ। मम्मा को चम्मच मिल गया है, मम्मा आ गई है प्याज ब्राउन करने, ये देख सकते हैं आप सब। वैसे मम्मा नहीं करती, आज मम्मा का मूड आ गया तो मम्मा ने कर लिए, वो मैं कर लेती है, बाकी आंटी मम्मा करती है। और उसके बाद जब ये प्याज फ्राई हो जाएगी तब हम आपको दिखाते हैं। और ये अब प्याज फ्राई हो गए हैं, ये देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है, यानी कि लाइट ब्राउन नहीं थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया। अब हमने इसके अंदर डाल दिया टमाटर, अब हम इसको करेंगे मिक्स। प्लेट रख रहे हैं हम सिक में फ्राई और करेंगे टमाटरों को घी में। ये अच्छा, और गैस बुझ गई थी नीचे इसलिए फिर दोबारा चला रहे हैं, इसलिए चम्मच हिलाने में देर हो रही है। अब गैस चला रही हमने, अब हम पकड़ने गए हैं अदरक लहसुन। और ये मम्मा ने चम्मच के हिसाब से नहीं डाला, मम्मा ने अपने हिसाब से डाल दिया, वैसे इतने ही चम्मच में डालता है। ये हमने डाल दिया, अब हम इनको कर रहे हैं मिक्स, ये जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और ये प्याज हमने इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं जितने हमने किए हैं उतने कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पकाना होगा, वैसे तो आप सबको पकाना आता होगा। अब हम डाल दें सारे मसाले, हमने डाल दिया जीरा, जीरा डाल दिया, हल्दी डाल दिया, आप सब अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हम नमक डाल दिया और ये थोड़ा सोर नमक डाल दिया है। और अब ये जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च, ये देख सकते हैं आप सब। और अब इसके अंदर डाल रही है थोड़ी सी और लाल मिर्च। क्योंकि मलाइका के दोनों बड़े बहन भाई, इसके भाई और दीदी को स्पाइसी पसंद है। और अब हमने इनको कर दिया है मिक्स। मैं और मम्मा ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, बस बस ये जो मेरी फ्रेंड और मेरे दोनों बहन भाई है ना, वो ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, हम दोनों नहीं खाते तेज मिर्चें। और ये देख सकते हैं कितना प्यारा रंग आ गया, सारा ये सारा ना मसालों का होता है, यानी कि मसाले रंग बिरंगे होते हैं ना, इसलिए वो नहीं जाके फिर या ऑरेंज ऑरेंज कलर कर देते हैं, क्योंकि हल्दी और लाल मिर्च ऑरेंज कलर रेड कलर की होती है, सॉरी ये, लेकिन हल्दी ऑरेंज या येलो कलर की होती है। अब हमने इसको कर दिया मिक्स। अब पानी आलू हमने काट के रखे थे, उनका पानी निचोड़ के हमने डाल दिया है इसके अंदर आलू, देख सकते हैं आप सब। अब हम इसको हला रहे हैं, हमने कोई दो तीन आलू लिए ना, है ना, पता नहीं दो तीन ही लिए थे। और अब हमने कर दिए इनका मिक्स और ये देख सकते हैं अभी से इनके ऊपर रंग चढ़ना शुरू हो गया है। और चावल हमने साइड पे भगो के रखे हुए हैं पहले से, अब हम बगो के मलाइका भगो के मुझे बोलना कहती है भिगो के। और अब हम एक दफ़ा चम्मच मारते हैं फिर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वैसे अभी अब नहीं, अब हम इसके अंदर बड़ी इलायची डाल, बड़ी साबुत काली मिर्ची डाल रहे हैं, सॉरी क्योंकि मैं उसका नाम भूल गई थी। और अब हम इसको कर रहे हैं मिक्स, ये देख सकते हैं आप सब। अब हमने चावलों का पानी निचोड़ लिया है और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर पानी और चावल थोड़ी है। क्योंकि आलू बारीक कटे हुए थे इस वजह से वो चावलों में ही गल जाएंगे, इसीलिए उन्हें पहले पानी डाल के नहीं रखा। और ये हमने जो चावल थे जो साइडों पर लगे हुए थे डोंगे के, हमने उसको पानी के हंगाल से मदद से हमने उसको वेस्ट नहीं किया, हमने डाल दिया। अब हम इसको कर रहे हैं, अब हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी, ठीक है, और अब हम इसको कर रहे हैं मिक्स। और अभी आप सबको मेरी भी उंगली नजर आई होगी क्योंकि मम्मा आंटी पकाती है और मैं वीडियो बनाती हूँ पीछे खड़ी होकर, जब मेरी तबीयत ना ठीक हो तो फिर मैं नहीं बनाती, मेरी फ्रेंड बना लेती है। पहले मैं बनाती थी वीडियो लेकिन अब मेरी फ्रेंड ज़्यादा बनाती है और मम्मा। और ये अब हमने इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल दिए है, और अब ये कर रही हूँ नमक टेस्ट में। और मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा नहीं ये आपको गरम गरम नहीं लगता, मम्मा कहती है नहीं लगता, या पता नहीं कि क्या है, अगर मैं डालूँ तो मैं तो सड़ जाऊंगी और फिर जो मम्मा सब डांट पड़ेगी वो कहने के खाते में। अब मम्मा को थोड़ा सा कम लगा होगा नमक तो फिर मम्मा ने और डाल दिए, और ये थोड़ी सी और लाल मिर्च डाल दी क्योंकि मेरे दोनों बहन भाई के हिसाब से कम होगी तो मम्मा ने अपने हिसाब से डाल दी। और
और ये अब हम मारे हैं चम्मच इसके अंदर, ये देखें ऊपर सारा ऑयल ऑयल आ गया है। अब जब इसको उबाले आएंगे तब हम रख देंगे दम पे, है ना। देख और मेरे प्रेशर में भी कुछ बन रहा है, कुछ मैं बना रही हूँ, नजर आ रहा है, आग जा रही है। तो आप इसको आ रहे हैं उबाले, मम्मा से पूरी डांट पड़ेगी, मम्मा कहती है उबाले हैं लेकिन अभी नहीं आ रही थी तो मैंने कहा उबाले हैं, अब ये आ रहे थे उबाले। और फिर मम्मा किचन में आई थी, फिर मुझे डांट पड़ी मम्मा से, और ये अभी थोड़ा थोड़ा अलवर चावल का पानी खुशक हो रहा है जैसे कि आप सबको नजर आ रहा है। अब हमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको पड़े रहने देंगे। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह। हाँ, और साथ में ये माचिस हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो गीले हो जाए तो वो सूखने के लिए। अब हमने इसके रख दिया ढक्कन, और बहुत जल्द हमारे चावल हो जाएंगे और दम तैयार। दे दिया। हाँ जी, और ये चावल हो चुके हैं रेडी। हमेशा हम हांडी की मूवी बनाना भूल जाते हैं। ये देखें कितने स्पाइसी शक्ल से लग रहे हैं और कितनी यमी शक्ल से लग रहे हैं। और अब ये मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैंने अपनी बहन को देने थे, इतना ज्यादा मैं नहीं खा सकती, इस तरह ज्यादा खाते हुए भी मुझे मौत आती है। तो गाइस उम्मीद है सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।